बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो मैं अभी हूँ मनीला में। मैं कल रात को यहाँ पे आ गया था मनीला, तो आई वॉज वेरी टायर्ड। तो अभी सुबह के बजे हैं 12 और मैं अभी सो के उठा हूँ। तो चलते हैं बाहर, कुछ शॉपिंग करते हैं, फिर एक होटल टूर करते हैं क्विक। और फ्लाइट भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, बड़ा मज़ा आया फ्लाइट में। एक इंसिडेंट हुआ, बात करते हैं उस बारे में। तो चलो क्विक शॉपिंग करते हैं पहले। ये है हमारा होटल जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये थाई होटल है और मनीला में है, फिलीपींस में थाई होटल। तो इसी के सामने है ये SM मॉल, बहुत फेमस है, पहले मैं वीडियोस बना चुका हूँ। तो अभी ये SM मॉल में चलते हैं अंदर। तो ये है SM मॉल। तो ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं है, सिर्फ ग्रॉसरी करेंगे, कुछ छोटी मोटी चीज़ें खरीदेंगे, एक मॉल का विज़िट और बस होटल जाएंगे, होटल का टूर लेते हैं। अच्छा होटल है, बड़ा आपको दिखाता हूँ कैसा होटल है। तो लाइवली होटल है काफ़ी, बहुत पुराना और बहुत बड़ा होटल है। तो चलें सेकंड फ्लोर का रास्ता ढूँढें, कुछ काम है सेकेंड फ्लोर पर। चलो गाइस, यहाँ पे सब मॉल कनेक्टेड है। अब मैं ग्लोरिटा करके एक मॉल है उसमें आ गया हूँ। तो SM मॉल, SM स्टोर, सारे मॉल ना बिल्कुल ही कनेक्टेड हैं, जिस तरफ भी आप चले जाओ, मतलब सब शॉपिंग मॉल है बहुत बड़ा यहाँ पे। तो हम तो यहीं पे भटकते रहते हैं जब आते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 24 घंटे का स्टे होता है, तो कहाँ कहाँ घूमते रहेंगे। जब कोई लंबा स्टे है तो बाहर जाएँ, या एक बार जैसे मॉल ऑफ एशिया गया था या यहाँ पर। तो अभी देखते हैं यहाँ पे। तो गाइस शॉपिंग हो गई है फिनिश। तो बस याकूट लेना था, कविंग को बहुत पसंद है। और जहाँ जहाँ जाओ क्या क्या लेते रहो, ऐसे तो बहुत चीज़ें हैं। तो बेसिक कोशिश करते हैं कि नॉर्मल चीज़ों पे स्टिक रहें, जैसे बेसिक चीज़ें होती हैं उन पे स्टिक रहें। फालतू शोशापंती, इधर की कॉफ़ी, इधर का वो, पता नहीं, लोग तो बहुत बाय करते हैं जब आते हैं। हमारा क्रू तो बिल्कुल ही पागल हो जाता है, हर जगह की अपनी अपनी लिस्टें होती हैं। तो ये एरिया बहुत अच्छा है, यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। होटल्स हैं बहुत सारे, जॉइंट्स हैं, फूड जॉइंट्स हैं, अलग अलग नाम है, ग्रीन बेल्ट, SM मॉल और पता नहीं कौन सा, जो मैंने एक और लैंडमार्क है, हाँ जिसमें मैं अभी गया था एक लैंडमार्क है, और ग्लोरिटा करके जो मैंने बताया वो मॉल है, बाकी और बहुत दुकानें, पूरा कॉम्प्लेक्स ही है, मकाटी सिटी है। तो मकाटी फेमस ही शॉपिंग के लिए और काफ़ी मनीला का एक अच्छी जगह मानी जाती है, काफ़ी महंगी जगह है रहने के मुकाबले, अगर किसी ने प्रॉपर्टी लेनी है तो। तो आपको आओ होटल का टूर कराता हूँ और फिर कमरे में चलते हैं, थोड़ा सा आराम करेंगे। शाम की फ़्लाइट है, क्योंकि लंबी फ़्लाइट है तो इसमें भी थकान रहती है, न्यूयॉर्क की तरह ये भी ऑलमोस्ट 9-10 घंटे की फ़्लाइट हो जाती है। सामने SM मॉल, ये ग्लोरिटा के आगे लैंडमार्क, और लैंडमार्क के आगे जाके ग्रीन बेल्ट। ये देखो सब इंटरकनेक्टेड है, इधर पूरा इंटरकनेक्टेड है, हर कोई मॉल अंदर से, ये देखो पूरे इंटरकनेक्टेड है। तो ये आ गया हमारा होटल, चलो अंदर चलते हैं। हेलो वेलकम, ये होटल है, ये होटल की लॉबी है। कुछ ना कुछ चलता रहता है इवेंट, ये क्या हो रहा है देखेंगे।
इट्स अ ह्यूज होटल, तो थाई होटल है, थाईलैंड के किसी चेन का होटल है, नाम भी वही है दूसरी थानी। तो बाहर चलते हैं, अभी देखते हैं। पिछले बैक साइड पे भी गार्डन बनाया हुआ है अच्छा। ये ब्रेकफास्ट एरिया है अंदर। बढ़िया है, बहुत मस्त प्रॉपर्टी बनाई है। तो बीच में हमारा होटल शिफ्ट हो गया था, दूसरे होटल में चले गए थे, वो भी पास में ही है, जहाँ से मैं लैंडमार्क से आया वहाँ से पास में ही है। तो अभी दोबारा इस होटल में आ गए, कोरोना टाइम में यहाँ से शिफ्ट हो गए थे हम। तो चलो अब रूम में चलते हैं और देखते हैं। नाइस व्यू, ये मकाटी सिटी है। तो वेलकम टू दुसितानी होटल मकाटी। तो गाइस अब करते हैं थोड़ा आराम। यहाँ पे तो बहुत घुमा हुआ है, मॉल ऑफ एशिया है सबसे बड़ा मॉल यहाँ पे, और बीच साइड। तो कोरोना टाइम के मेरे पुराने वीडियो में आपने देखा होगा बीच वगैरह सब बंद थे। तो कल की फ़्लाइट भी अच्छी थी, वही एक भसूड़ी हुई फ़्लाइट पे, डोर क्लोज हो गए, पैसेंजर जहाँ हम रहते हैं वहीं के पैसेंजर। हाँ गाइस, तो मैं बात कर रहा था कल की फ़्लाइट की, भसूड़ी की। तो बीच में फ़ोन आ गया, खाना मंगाया था कुछ, मैंने खाना खा लिया है। तो अब मैं थोड़ा सा आराम करूँगा फ़्लाइट से पहले, 2-3 घंटे सो जाना चाहिए, अच्छा होता है। पूरी ओवरनाइट फ़्लाइट है, टाइम डिफरेंस भी है 5 घंटे, कुवैत टाइम की से आगे हैं हम लोग। तो हम जब फ्लाई करेंगे तो फिर हम पीछे जाएंगे। तो बस कुछ नहीं, फ़्लाइट में ये भसूड़ी हुई कि पैसेंजर वहीं का नेशनल था, कुवैत का। तो आ गया, डोर क्लोज हो गए, डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गई, उसका बच्चा घूम ही जा रहा है। तो हमने बोला कंट्रोल करो, बैठ जाओ, डेमोन्स्ट्रेशन चल रही है। तो थोड़ा सा बैठ गया, फिर उसके बाद डेमो ख़त्म हुआ, वी वर लाइक ऑन द मेन रनवे, फिर घूम रहा है। दो तीन बार रिक्वेस्ट किया, फिर फाइनल मैंने वार्निंग दी कि नो सर, प्लीज़ यू हैव टू सिट डाउन, सेफ्टी जो हमारे प्रोसीजर्स हैं उसको कंप्लाई कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। तो फिर नहीं कहता टॉयलेट यूज़ करना, मैंने कहा फटाफट करो, टॉयलेट खोला तो टॉयलेट नहीं जाना है इधर उधर। तो दूसरे चीफ कैबिन ने भी अरबी में बात की, तो उसको बहुत गंदे तरीके से जवाब दिया उसने, जो कि अब मैं बता नहीं सकता, मतलब बहुत गंदा बोला। तो फिर हमने कैप्टन को अप्रोच किया, कैप्टन ने लास्ट वार्निंग दी मेरे थ्रू, नहीं माना, घूम रहा है, कहता डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन अरबिक। तो कुछ नहीं, बस कैप्टन ने जहाज घुमाया, दोबारा वापस गेट पर गए, ऑफ लोड करने लगे, तब तो बिल्कुल ही मुझे माफ़ कर दो ये वो, तो ड्रामेबाजी हुई। तो 1-1.5 घंटा फ्लाइट डिले हुई, ऑफ लोड किया फाइनली उसको, उसकी फैमिली को, उसकी मेट को। तो गाइस ऐसा नहीं है, तो जब भी आप फ्लाइंग कहीं पे भी करते हैं, कोई भी फ्लाइट में जाते हैं, तो कैबिन क्रू सेफ्टी रेगुलेशंस जो हैं, उनके जो प्रोसीजर्स हैं, उससे आप उसको कंप्लाई कीजिए, उसको मानिए, सीट बेल्ट है या कुछ भी है, कुछ इतना लंबा चौड़ा बात नहीं है, फ्यू सेफ्टी रेगुलेशंस आर देयर, लाइक सीट बेल्ट बांधो, सीट पे बैठ जाओ जब सीट बेल्ट ऑन है, टॉयलेट यूज़ नहीं करो, क्रू से बदतमीज़ी नहीं करो। हम लोग भी कोई ऐसे पैसेंजर से कोई हमारे दुश्मन थोड़ी है, किसी से ऐसे अपनी तरफ से बदतमीज़ी थोड़ी करते हैं, अनलेस कोई मैटर हॉट हो जाए या कोई टॉपिक हॉट हो जाए। तो बस ये तो चलता रहता है, पार्ट ऑफ क्रू लाइफ। तो आज मैंने एक और इंसिडेंस ये शेयर किया और आपको मकाटी दिखाई, जो हम कुवैत में कहते रहते हैं, छोटी सी मिनी मकाटी सिटी, मकाटी सिटी। तो मेन मकाटी ये है मनीला में, तो हमारा होटल भी यही है, एक थाई होटल है। तो गाइस नींद बहुत आ रही है, मेरी आंखें भी नहीं खुल रही हैं, तो ध्यान रखें अपना, स्टे सेफ, मिलते हैं कुवैत जाके।